अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खदरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 19 मई थर्सडे यानी जुमेरात का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज खिदमत खल्क एसोसिएशन की तरफ से मुस्तहिक और बेवा औरतें जो होती हैं, जो ज़ईफ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे औरतों को 1-1 हज़ार रुपये का राशन दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 किलो चावल, तेल, आटा, मिर्ची, नमक, लहसुन, इस तरीके से 1-1 हज़ार रुपये का इनको राशन का इंतजाम किया गया है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जिन लोगों ने इनके लिए इंतजाम किया, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए, उनके कारोबार में और तरक्की अता फरमाए। जो भी उनके हालात है, जैसे भी जो भी नीयत से, जिस भी मकसद से उन्होंने ये इंतज़ाम किया है, अल्लाह ताला उनके मकसदों को, उनकी नीयतों को पूरा करे। और यकीन मानिए, आप लोग अगर आगे बढ़कर ऐसे बेवा औरतों के लिए, ऐसे बेसहारा औरतों के लिए मदद करेंगे, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो गया। तो बस बोलने का मकसद और बोलने का मतलब आप लोगों को यही है कि जितना हो सके हमारे वीडियोज़ को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर करना भी एक नेकी है। और साथ ही मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे कई सारी और भी बेवा औरतें हैं जिन्हें हमें राशन फराहम करना है। हर महीना हमें इस तरीके से औरतों को राशन देना पड़ता है, जैसे कि कम से कम 150 घर की औरतें होती हैं जिन्हें हमें इस तरीके से राशन का इंतजाम करना है। तो आप लोग जितना हो सके आगे बढ़िए, ऐसे लोगों के लिए इंतजाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। और ये बराबर ज़ईफ़ बेवा औरतें हैं जो आप लोगों की माँ दाखिल हैं, जो आप लोगों की माँ के बराबर की उम्र की हैं, तो बराबर ये लोग आपके हक़ में भी दुआ करती रहेंगे। बोलो शुक्रिया, बोलो दुआ। शुक्रिया, आप राशन दे दिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हम बेसहारा थे, आप सहारा बने हमारा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप जो भी आप दुआ करेंगे, आपके लिए जो राशन आपको हमारे को भेजे हैं, तुम्हारे को दुआ करेंगे बहुत बहुत। तुम्हारे को जो भी है सो हमारी जो भी दुआएं तुम में पढ़ेंगे, अल्लाह तुम जो भी हमको दे रहे, हमारी तकलीफ को माँ ये कर दे रहे, हमारे बच्चे कच्चे हम लोग खाते रहते हैं, हम बेवाएँ, हम बेसहारा है, अब महीना महीना राशन आप लोगों को हमारे को पहुँचा दे रहे। तुम्हारे को शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे जो भी दिल से दुआ करते, तुम्हारे को हर सैयद दो, तुम्हारे कमाई में बरकत दो, आने वाली मुश्किल को आसान करे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, हम लोगों को राशन मिल गया, हम बेवा औरता हैं, हम गरीब है, कोई नहीं, हमारा सहारा बेसहारे हैं हम लोग। आप राशन दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दुआ बहुत दुआ करेंगे हम लोग, अल्लाह ताला आपको दुआ, हम लोग दुआ करेंगे बाबा, हम लोगों को राशन मिल गया। अस्सलाम वालेकुम दिए साले, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कमाई में बरकत दो, आपके हर परेशानी मुसीबतों को दूर करो अल्लाह में। देखिए ये ऐसे मुस्तहिक और ज़ईफ़ औरतें हैं जिनसे अब काम नहीं होता, मेहनत नहीं होती। ये लोग पहले मेहनत किया करते थे जिससे वो लोग अपना घर चला सकते थे, अपना पेट पाल सकते थे, लेकिन आज ये लोग को दो रोटी के लिए भी मेहनत करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इन लोग BP शुगर की तरफ से बीमारी है इन लोगों को, और जैसे कि घुटनों की तकलीफ़ होती है, आँखों को नज़र नहीं आता, तो इस तरीके की तकलीफ़ में ये लोग मुब्तला है। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग आगे बढ़कर राशन का इंतजाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आगे भी हमें और भी कई औरतों का इंतजाम करना है, तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके लोगों के लिए इंतजाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। एक घर को हम 1 हज़ार रुपये का राशन दे रहे हैं, तो आप लोग जितने चाहे उनके लिए राशन का इंतजाम कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। Allah